लेकिन मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों, मैं आज मेरा दर्द आपको भी बताना चाहता हूं। इतना सारा काम देश में हुआ, गरीबों को रहने के लिए घर मिले, लेकिन यहां जो सरकार है वो गरीब बेघरों को घर नहीं देना चाहती। मुझे दुख होता है जब देखता हूं कि दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं हो पा रही है। सोचिए, 5 साल में 2 करोड़ घर केंद्र सरकार ने देश भर में बनवाए और इसमें एक भी घर यहां दिल्ली में नहीं बन पाया, इस बैठी हुई सरकार की वजह से नहीं बन पाया। आप मुझे बताइए, गरीब को अपना पक्का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब को रहने के लिए छत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या गरीब की जिंदगी में बदलाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या मोदी अगर ये काम करता है तो उस पर राजनीति करनी चाहिए क्या? यहां पर रुकावटें डालनी चाहिए क्या? भाइयों बहनों, हर बेघर अपना घर चाहता है, हर कोई चाहता है कि अपने बच्चों को एक अच्छे घर में छोड़ करके वो अपना जीवन पूर्ण करे। साथियों, जब तक, और ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, जब तक ये लोग बैठे रहेंगे तब तक दिल्ली में लोगों की भलाई के काम वे रोकते ही रहेंगे, रुकावट डालेंगे, रोड़े अटकाएंगे, क्योंकि वो सिवाय राजनीति कुछ जानते ही नहीं है। इसलिए दिल्ली में अब देखिए, 21वीं सदी के 2 दशक ऐसे लोगों के हाथ में गए कि आपको तो 21वीं सदी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती है। और इसलिए भाइयों बहनों, 20 साल बहुत कुछ आपने देख लिया है, बहुत बर्बादी झेल चुके हैं, अब तो एक ही रास्ता बचा है और इसलिए दिल्ली में भाजपा का आना जरूरी है। जब दिल्ली में भाजपा की एनडीए की सरकार बनेगी तो जो देश भर में हमारा काम चल रहा है बेघरों को पक्का घर देने का, वो काम हम दिल्ली में भी आसानी से कर पाएंगे। और घर में गैस होगा, पानी होगा, बिजली होगी, सारी बुनियादी सुविधाएं भी मिलेगी। साथियों, 21वीं सदी का भारत नफरत की राजनीति से नहीं, विकास की राष्ट्रनीति से चलेगा। विकास की यही राष्ट्रनीति देश को गति भी देती और देश को नई ऊंचाई पर भी ले जाती है। आज देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब विपक्ष को किसी सरकार से शिकायत है। और आजकल मेरे लिए शिकायत क्या है, कभी कभी हमारे मित्र भी कहते हैं और हमारे विरोधी तो दिन रात कहते हैं, शिकायत क्या है? अरे कहते, मोदी जी इतनी जल्दी क्या है,
इतनी तेजी से काम क्यों कर रहे हो? अरे जरा धीरे धीरे चलो, थोड़ा आराम करो। इतनी तेजी से एक के बाद एक बड़े फैसले क्यों ले रहे हो? इसकी जरूरत क्या है? साथियों, देश को तेजी से विकास करना है तो उसे दशकों पुरानी समस्याओं और दशकों पुरानी चुनौतियों से मुक्ति पानी ही होगी।